तो वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज जो मैप है हमारे पास, उसका साइज़ है हमारा 36 फीट 9 इंच बाय 38 फीट 1 इंच, लेकिन जो इसकी बैक है वो हमारी 37 फीट 7 इंच है। तो 36 बाय ये हमारा 38 का प्लान है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपको सामने देखने को मिलता है यहाँ पर पोर्ट, जहाँ पर आपकी कार की पार्किंग होगी। इसका साइज़ हमने आपको दिया हुआ है 10.5 फीट बाय 16 फीट का, ये हमने दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एरिया, आपको चार फीट एरिया आपको ओपन छोड़ा हुआ है हमने सामने से। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। और सामने ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है WC। इसका साइज़ हमने आपको दिया हुआ है 3 फीट बाय 4 फीट की हमने यहाँ पर WC बनाई हुई है। आपके अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो बाहर से ही WC में जा सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। पोर्ट से आगे आप जाते हैं तो आपको देखने को लिए मिलता है यहाँ पर स्टेयरकेस, जो कि हमने 3.5 फीट का आपको दिया हुआ है। स्टेयरकेस से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से मैप बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लेकर के आप भी हमसे मैप बनवा सकते हैं। आपका मैप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। ये मैप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। हम अपने ड्राइंग रूम के लिए हमने एक डोर आपको बाहर से दे दिया है पोर्ट से, और दूसरा डोर आपको अंदर लॉबी से हमने दिया हुआ है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 12 फीट 7.5 इंच बाय 10 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इस ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो देखने के लिए मिलती है। इस विंडो का साइज़ है हमारा 4 फीट की, हमने यहाँ पर ये विंडो लगा दी है। इससे यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप इस डोर से अंदर लॉबी में एंट्री करते हैं। लॉबी का साइज़ हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है 16 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 5 इंच की हमने यहाँ पर लॉबी दी हुई है। अगर यहाँ से आप लॉबी देखें तो आपके यहाँ से लॉबी 12 फीट 10 इंच की है, लेकिन यहाँ से 16 फीट 6 इंच की आपकी लॉबी दी गई है। उसके बाद आप राइट साइड आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर पूजा रूम, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर आपको 5 फीट बाय 3 फीट 10 इंच की हमने यहाँ पर पूजा रूम दी हुई है। उसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम के आगे तो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर स्टडी रूम। स्टडी रूम का डोर हमने यहाँ से आपको दे दिया है। स्टडी रूम का साइज़ है आपका 11 फीट बाय 10 फीट का स्टडी रूम आपको बना करके दिया हुआ है। इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो भी लगा दी है। आप इसे चाहे तो अपना बेडरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी रूम के बराबर में ही आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। कि जो हमारा किचन है, इसका साइज़ हमने आपको दिया हुआ है 7 फीट 1.5 इंच बाय 8 फीट 1 इंच की हमने किचन बनाई हुई है। और किचन के वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। इस किचन में हमने एल साइज़ की स्लेब डाली हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जैसे आप आगे आते हैं, ये आपका एक बेडरूम है, ये आपका फर्स्ट स्टडी रूम हो गया, सेकंड आपका ये बेडरूम हो गया। इस बेडरूम में आप एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 10 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। और एज़ पर रिक्वायरमेंट यहाँ से इससे अटैच किया गया है स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से आपको दे दिया है 3 फीट का। स्टोर का साइज़ है आपका 4 फीट 9 इंच बाय 7 फीट 7 इंच का आपका स्टोर इस बेडरूम से अटैच कर दिया गया है। इसी के साथ आपको 2 फीट की यहाँ पर अलमीरा भी देखने के लिए मिल जाती है। और वेंटिलेशन के लिए आपको एक विंडो यहाँ पर और दूसरी विंडो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये दोनों विंडोज इस बेडरूम का फुल वेंटिलेशन करती रहेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको कुछ एरिया ओपन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर 3.5 फीट बाय 7 फीट के करीब का ये ओपन एरिया है आपका। इसके सामने आपको देखने के लिए मिलती है बाथ और WC। WC का साइज़ आपको यहाँ पर दिया गया है 4 फीट 3 इंच बाय 3 फीट की आपको WC बनाई गई है यहाँ पर। और इसी के साथ आपको बराबर में देखने के लिए मिलती है बाथ, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 4 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 1 इंच का आपको ये दिया गया है। अब आगे चलते हैं, ये आपकी बात और WC हो गई। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अटैच नहीं होना चाहिए, इनको सेपरेट चाहिए था, तो इसीलिए हमने कर दिया है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम पर। ये हमारा बेडरूम है, इसका डोर हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। इसमें एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 11 फीट 4.5 इंच बाय 12.5 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको 5 फीट की विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। और इसी के साथ एज पर रिक्वायरमेंट से अटैच किया गया है स्टोर, आप चाहें तो टॉयलेट भी अटैच करवा सकते हैं। इस बेडरूम से अटैच जो स्टोर है, इसका साइज़ है आपका 5 फीट 11 इंच बाय 4 फीट 2.5 इंच का स्टोर अटैच किया गया है। तो 36 बाय 38 के प्लान में ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बनाया गया है, आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से मैप बनवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका मैप आपके हिसाब से बनाया जाएगा, ये मैप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।